मोहम्मद साद एक बहुत अच्छा इंसान था, मैं उसका ऑफिस को लीक था, पिछले एक साल से वो मुल्क से बाहर था, मेरी उससे मुलाकात नहीं हो पाई है, लेकिन 31 तारीख को वो जो है वो बैरून मुल्क से वापस पाकिस्तान आया था। तो पाकिस्तान इंडिया के मैच के ऊपर वो एक ब्लॉगिंग करने गया था सलीना मोबाइल मॉल, तो वहाँ पे उसने और भी इंटरव्यूज़ किए, और उसके बाद उसने जो है वो जब ये गार्ड के पास गया है तो गार्ड ने उसको जो है वो कुछ ना सुना ना कुछ किया और सीधा उसके सीने पर रख के जो है वो गोली मार दी, जिससे साथ ऑन द स्पॉट ख़त्म हो गए। दो बच्चे थे साथ के, और साथ के छोटा बेटा जो है वो 1.25 साल का और बड़ा बेटा 4 साल का था, और घर का वाहिद कफील था। वालिद साहब जो है वो अभी बात करने के उसमें नहीं है, जाहिर सी बात है गम है उनको। तो मैं गार्ड से अभी मिलके आ रहा हूँ, तो गार्ड का कहना यही है कि उसको बस पता नहीं चला, उसने मन्ना मार दिया। तो ये सिर्फ एक कवर करने के लिए बयान है कि किसी तरीके से वो बच जाए, लेकिन आपके पास वीडियो एविडेंस भी मौजूद है और बंदा भी मौजूद है, तो लिहाजा इसको कवर ना करें। मेरी जुडिशरी से यही वो है कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करके तो इसको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। बात सिर्फ इतनी थी कि उसने पाकिस्तान इंडिया के मैच पर सवाल किया, तो इतनी बातचीत पर उसको गोली मार के मार दिया, और कहना कि मेरा दिमागी तवाज़ुन सही नहीं है। तो सब दिमागी तवाज़ुन वगैरह सारी चीज़ें सही हैं, अगर उसका दिमागी तवाज़ुन सही नहीं था तो वो अपने आप को मार लेता ना गोली, उसको क्यों मारी। पुलिस का भी कुछ कहना नहीं है, पुलिस से बात हुई है तो वो फिलहाल उसका बयान ही ले रहे हैं, बयान वगैरह सारी चीज़ें दे चुके हैं और वीडियो एविडेंस सबसे बड़ा मौजूद है।